हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज ठीक है जैसे कि हमें पता है कि हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट रिलीज़ होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है ठीक है ये वाले वेस्ट की जो बात हो रही है जब नॉर्मली जब जिसे कहते हैं ना एक्सक्रेट जिससे हमारा जो टॉक्सिक है बॉडी का वो रिमूव होता है ना इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सो so, जो भी एनिमल्स हैं जनरली दे रिलीज द एक्सक्रेटरी वेस्ट एज अमोनिया यूरिया या यूरिक एसिड इन तीन फॉर्म्स में मेजरली जो वेस्ट होता है वो रिमूव होता है ठीक है जो भी एनिमल्स हैं कोई भी है वो इन तीनों फॉर्म में अपना वेस्ट रिमूव करते हैं दैट इज़ क्लियर नाउ जस्ट गिव मी वन मिनट यहाँ से स्टार्ट करते हैं देयर आर डिफरेंट दे दीज आर डिफरेंट इन देयर टॉक्सिसिटी एंड एनर्जी इन विच गोज इन टू प्रोड्यूसिंग दैम विच गोज़ इन टू प्रोड्यूसिंग दैम बेसिकली इन्होंने क्या बोला है ना इन्होंने बोला कि इन तीनों के तीनों जो वेस्ट हैं चाहे वो अमोनिया हुआ चाहे वो यूरिया हुआ चाहे वो यूरिक एसिड हुआ तीनों में जो मेजर डिफरेंस है एक तो वो टॉक्सिसिटी का है कि कोई कितना टॉक्सिक है और कितनी एनर्जी जाने वाली है इनको प्रोड्यूस करने के लिए ठीक है तो कोई भी बच्चा जो एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ रहा है चाहे वो सेवन्थ का है या फिर हायर क्लासेस का है या एलेवंथ का है उसके लिए काम का है स्टार्ट करेंगे अमोनिया से ठीक है अमोनिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ये अमोनिया की फॉर्म में जो वेस्ट निकलता है इट इज़ बेस बेसिकली ये ये होता है एक्वेटिक स्पीसीज के अंदर यानी जो एक्वेटिक ऑर्गैनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है एज इट इज़ हाईली सोल्यूबल इट ईजीली पास थ्रू मेमरिनस ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है इसीलिए ये मेम्बर में से बड़े आराम से पास हो जाता है एंड इट कैन बी टॉलरेटेड एट वेरी लो कंसनट्रेशन इसको टॉलरेट हाँ इट कैन भी टॉलरेटेड का मतलब है एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जितना ज़्यादा मतलब ये बॉडी के अंदर लो बॉडी के अंदर लो कंसन्ट्रेशन में प्रजेंट है उतना अच्छा है ठीक है तो ये जो है ये टॉलरेट होता है बहुत लो कंसेंट्रेशन में एंड अगर ये थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो इट कैन बी वेरी टॉक्सिक टू तो द बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट अमोनिया हेयर ठीक है एनिमल दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज अमोनिया नीड एक्सेस टू लॉट ऑफ वाटर बेसिकली इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है ठीक है तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं दे शुड हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ वाटर इन फिशेज मोस्ट ऑफ द अमोनिया इज लॉस्ड अक्रॉस द एपिथीलियम ऑफ द गिल्स देखो फिशिज में जनरली हम पढ़ते हैं ना एक स्क्रीट आउट होता है स्क्रीट आउट होता है उनका जो मोस्ट ऑफ द अमोनिया है वो गिल्स के थ्रू निकल जाता है उसकी एपिथीलियम जो स्किन है उसके थ्रू निकल जाता है और उनकी किडनी बहुत थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट करती है मतलब मेन काम जो एक्सक्रीशन का है वहाँ पे वो गिल्स ही कर लेता है वैसे तो येस वी हैव स्टडीड कि जो फिशेज होती हैं उनके अंदर जो गिल्स हैं दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ यू नो सांस लेना एंड एवरीथिंग लेकिन वो ही साइड बाय साइड क्या करती है अमोनिया को रिलीज़ करने में भी हेल्प करती है बहुत टॉक्सिक है एंड इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए इसको एक्सरीड करने के लिए सो so ये पहले टाइप का क्या कहते हैं जिसे कहना चाहिए नाइट्रोजन एस वेस्ता विच इज़ अमोनिया नेक्स्ट पे आते हैं यूरिया पे आते हैं यूरिया से सबसे अच्छा तरीका याद रखने का ह्यूमन बींग्स के अंदर ठीक है तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो वेस्ट चीज़ निकलती है दैट इज़ यूरिया मैमल्स मोस्ट एडल्ट एम्फीबियस जो दोनों जगह पे रहते हैं यू you नो know, पानी के अंदर भी और लैंड के अंदर भी शार्क्स कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट आउट करती है सारी फिशेस नहीं वैसे तो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दे एक्सक्रीट आउट द यूरिया बट ऑलवेज देर आर सम्शन कुछ ना कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं अच्छा यूरिया का एक मेन एडवांटेज क्या है ना इसकी टॉक्सिसिटी बहुत लो है ये एज ए कम्पेयर टू अमोनिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है ठीक है और एनिमल्स कैन ट्रांसपोर्ट यूरिया इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्टोर इट सेफली एट हाई कंसनट्रेशन वो इसको स्टोर भी कर लेते हैं और सर्कुलेटरी uh, सिस्टम के बाद इट कैन गो टू एक्सक्रिएटरी सिस्टम बेसिकली स्टोरेज का काम एक्सक्रिएटरी सिस्टम में होता है वेरी लेस वाटर इज लॉस्ट वेन यूरिया इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज कम्पेयर टू अमोनिया बॉडी में से अगर अमोनिया निकालना है तो बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत है और बहुत ज़्यादा पानी भी निकालना पड़ता है लेकिन केस ऑफ यूरिया ऐसा नहीं है बहुत थोड़ा सा ही जिसे कहते हैं ना पानी लॉस होता है अगर हमें बॉडी से यूरिया निकालना है तो डिसएडवाटेज ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज दैट इज एनर्जी कॉस्ट जो एक डिसडवाटेज है यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने का वो है एनर्जी कॉस्ट यस अमोनिया में एक बहुत कम एनर्जी लग रही थी इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है एंड जो एनिमल्स हैं उनको अपनी एनर्जी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यू नो खर्च भी करना पड़ता है और पूरा का पूरा यूज करना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके यूरिया बना सके फ्रॉम अमोनिया ठीक है ना फी फ्यू एनिमल्स स्विच बिटवीन एक्सक्रीटिंग अमोनिया एंड एक्सक्रीटिंग यूरिया कुछ एनिमल्स क्या करते हैं ना वो एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन पे नहीं रहते सर्टिन कंडीशन में वो अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट निकालेंगे सर्टीन कंडीशन में यूरिया की फॉर्म निकालेंगे ठीक है जैसे कि मेनी एम्फीबियन एक्सक्रीट मेनली अमोनिया वेन दे आर एक्वेटिक टेटपोल सपोज वो पानी के अंदर रह रहे हैं टेटपोल की फॉर्म में तो वो अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट निकालेंगे लेकिन जैसे ही वो बाहर आएंगे तो क्या होता है यूरिया एक्सक्रीशन कब होता है मतलब उनकी बॉडी में जैसे ही वो बाहर आएंगे तो इट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट डू वी से यूरिया हो जाता है लाइक like, उनका मोड अमोनिया भी है यूरिया भी है टू रिमूव द ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी दैट इज वन थिंग नेक्स्ट पे आते हैं दैट इज यूरिक एसिड Now हम तीनों को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं कि कौन किसके लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए था वो अमोनिया था सबसे कम किसके लिए चाहिए था वो मतलब जो सबसे कम है अभी पढ़ेंगे, बट उससे बीच में जो चाहिए था वो यूरिया था ना यूरिक एसिड Insects जितने भी हो गए स्नेल्स कई रेप्टाइल्स बर्ड वगैरह वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं एज नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड इज रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक कम टॉक्सिक टॉक्सिक का मतलब होता है जो बॉडी को हार्मफुल करे ऐसा मतलब हार्म करे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट सो यूरिड यूरिक एसिड थोड़ा सा नॉन टॉक्सिक है और ये एकदम से पानी में डिसॉल्व नहीं होता इट डज़ नॉट रेडिली डिसॉल्व इन वाटर इट कैन बी एक्सक्रिएटेड एज अ सेमी सॉलिड पेस्ट एंड वेरी विद वेरी लिटिल वाटर लॉस तो इसीलिए जो बर्ड्स वगैरह होते हैं जो उनका वेस्ट होता है वो ऐसा नहीं होता जैसे पेस्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जैसे किसी चीज़ का पेस्ट बना दिया तो दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो so, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में निकल ठीक है हाँ इसका एक एडवांटेज क्या है लिटिल एक्सेस टू वाटर जिसके पास बहुत कम पानी है वो इसको बड़े आराम से मतलब इस फॉर्म में वेस्ट निकाल सकता है हाँ अब इसका एक फायदा भी होगा द मेन सॉरी ये तो एडवांटेज था अब एक मेन नुकसान जो है कि जो यूरिक एसिड है ना उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी uh, से बाहर निकने के निकलने के लिए एज़ कम्पेयर टू यूरिया तो यूरिया में इतना एनर्जी देखो सबसे कम अमोनिया में एनर्जी लगी थी फिर यूरिया युर, में उसके बाद यूरिक एसिड में ठीक है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड जो ड्रॉपिंग्स होती है ना बर्ड की यहाँ पे बट लिख दिया गलती से बट इट इज़ बर्ड ड्रॉपिंग्स जैसे कि गुआनो भी बोल सकते हैं उसमें क्या करते हैं यूरिक एसिड एंड ब्राउन फीसिस दोनों मिली होती हैं जो यूरिक एसिड व्हाइट कलर का होता है ब्राउन फीजेस होती हैं इसलिए वो थोड़ा सा अजीब से कलर का होता है बर्ड का जो पूप होता है एंड वो कई बार फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होता है क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है ह्यूमंस एंड कई ऐसे एनिमल हैं जो स्मॉल अमाउंट में यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जब हमारी बॉडी में प्योरिन डाउन होता है ठीक है जो बच्चे हायर क्लासेस के हैं उनको समझ में आ गया होगा प्योरिन क्या है प्योरिन पिरामिडिन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्मॉलर लाइक सॉरी जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए ऐसा है कि आप बस याद रख लीजिए कि यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर ठीक है ह्यूमन एडल्ट में मेन्स में बेसिक मेल्स के अंदर बेसिकली दे आर सस्पेक्टेबल टू गाउट उनकी बॉडी में ना गाउट होने के चांसेस रहते हैं विच इज़ अ डिजीज़ जो तब होती है जब जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल फॉर्म होने शुरू हो जाए यूरिक एसिड का डिपोज़िशन है तो सब कुछ वेस्ट ही ना तो इसका डिपोजिशन बॉडी में होना काफ़ी गलत है काफ़ी बुरा है सो ये चीज़ हमको याद रखनी है दोनों तीनों चीज़ें अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड हमने फ़ायदे पड़े अमोनिया की कि ठीक है ये वैसे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है लेकिन इसके लिए पानी हाँ टॉक्सिक है लेकिन इसके लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए लो एनर्जी चाहिए ठीक है लो एनर्जी और अगर मैं बात करूँ यस पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए उसके अलावा ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक है अमोनिया से और इसके लिए वाटर आप मान लो मीडियम दोनों के बीच का है तो ये मीडियम हो गया एंड इसके लिए एनर्जी अमोनिया से जो अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट निकल रहा था उससे तो ज़्यादा ही चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए ठीक है और उसके अलावा यूरिक एसिड जो है उसके साथ यहाँ पे क्या है उन्होंने क्या बोला कि ये इसका एक एडवांटेज है कि लिटिल एसेज टू वाटर जिसके पास पानी की कम एक्सेस है वो भी आराम से इसको यूज़ कर सकता जादा जादा है एंड मेन डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग यूरिक एसिड इज इवन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए एंड नाउ आप क्या करेंगे जिन भी बच्चों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है आपको कुछ नहीं करना दैट इज जस्ट बिना कुछ देखे आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं ठीक है थीके? तो उससे क्या होगा ना आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने कितना समझा और उसको कमेंट में कर दीजिएगा मैं ज़रूर पढूंगी कमेंट अगर आप कमेंट करोगे तो लेकिन याद से आपको इनके मैसेज जो भी इसका आंसर है वो लिखना है एंड इन केस आपको ये वीडियो कुछ भी अच्छी लगी हो थोड़ी भी समझ में आया हो तो डू नॉट फुगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर एंड चेक द प्ले अलग अलग क्लासेस की प्ले लिस्ट है सेवंथ एट नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ आप चेक कर सकते हो इकोलॉजी वगैरह की फील्ड से जो है इन्वॉर्मेंट पढ़ने जो आए हैं वो भी चेक कर सकते हैं उनकी अलग प्ले है सो थैंक यू सो मच आई सी यू नेक्स्ट टाइम एंड